जय श्री कृष्ण दोस्तों, अक्सर झूठ बोलने की भागीदारी तो हम बन ही जाते हैं, परंतु झूठ बोलना तो आजकल आम हो गया है, जिससे हम अनेकों को दुख देते हैं। किंतु कुछ कुछ परिस्थिति में हम झूठ बोल सकते हैं, जिससे झूठ बोलने का पाप हमें प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार अगर हम किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई लड़की के पीछे गुंडे लगे हुए हैं और आपने उस लड़की को छुपते हुए देखा और उन गुंडों ने आपको उसके बारे में पूछा, तो आप यहाँ झूठ बोल सकते हो, क्योंकि किसी की जान झूठ से ज़्यादा बड़ी होती है। दूसरा है, व्यापार और धंधे में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अगर कोई व्यापारी ज़्यादा दाम में आपको कुछ बेच रहा है पर उसकी मूल कीमत तो कुछ और ही है, तो यहाँ व्यापारी अपने पेट पालने के लिए वो अपने हिसाब से झूठ बोलकर वो अपने हिसाब से ही व्यापार कर रहा है, तो इसलिए व्यापार में झूठ बोलना जायज़ है। तो इस परिस्थिति में आप दूसरे व्यापारी के पास जाके भी अपना सामान खरीद सकते हो, यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए व्यापार में झूठ बोलना फलदायी है। तीसरा है, मजाक मस्ती में बोला गया झूठ। तो मजाक में बोला गया झूठ तो झूठ ही होगा, क्योंकि ये झूठ मजाक के ही बलबूते टिका हुआ है, इसलिए मजाक का झूठ आप बोल सकते हो। हाँ, लेकिन मजाक में किसी को दुख नहीं पहुँचाना, ये वो श्रेणी पाप की श्रेणी में आता है। चौथा है, घर गृहस्थी में कलेश को मिटाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, क्योंकि ठाकुर जी की छवि वही विराजती है जहाँ शांति और प्रसन्नता हो, इसलिए घर में कलेश मिटाने के लिए, दो लोगों की दूरियां मिटाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, या पत्नी को खुश करने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। तो अंततः श्रीमद् भागवतम के शास्त्रों में ये लिखित स्वरूप है, ये सब कुछ पूरी जानकारी श्रीमद् भागवतम के शास्त्रों के अनुसार आपको बताई गई है। तो पहला है किसी की जान बचाने के लिए, दूसरा है व्यापार में, तीसरा है मजाक में, और चौथा है किसी को खुश करने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। तो इस तरीके से आप भी झूठ बोलते रहिए और इस संसार में और प्रसन्नता को बढ़ाइए। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस प्रस्तुति को अपने मित्र और परिवार तक जरूर पहुंचाइए, तथा भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।